मैं कल्पना शर्मा, ईटीडी धामपुर यूपी से। सबसे पहले मैं डॉक्टर लिम सोजिन को थैंक्स बोलना चाहूंगी जो इतना अच्छा प्रोडक्ट हम सब मानव के लिए इस धरती पर लेकर आए। उसके बाद मैं चरण स्पर्श करना चाहूंगी अपने गुरु माता पिता प्रोफेसर सर दत्ता मैम और एस रंजन सर को, जो इस प्रोडक्ट को दुनिया के साथ साथ हमारी इंडिया में लेके आए, हम सबको बताया। उसके बाद में धन्यवाद अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर भरत गर्ग, शिप्रा गर्ग तथा अपने सारे जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं उन सबको नमन करना चाहूंगी। और सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगी अपने टीम का, क्योंकि हम अपने टीम के साथ जो भी हैं, अपने परिवार के साथ हैं, बिना परिवार के बिना टीम के हम कुछ नहीं है। तो मेरा टॉपिक है डिएक्शन, जीवन कैसा होता है वो बताना चाहूंगी कि डिएक्शन के साथ हम लोग अपनी लाइफ को कैसे रखते हैं। डिएक्शन का लोगो हमें सबसे पहले क्या दर्शाता है? डिएक्शन का लोगो हमें दर्शाता है हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। इसमें जो हमें लाल रंग दिखता है वो दिखाता है उगता हुआ सूरज, कि हमें हमेशा सूरज की तरह चमकना है और हमेशा ऊर्जावान बने रहना है। हरा रंग दिखाता है सुख समृद्धि, ताकि हर समय खुशियां रहे, सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, प्रगति रहे, सब लोग समृद्ध रहे। और नीला रंग हमें दर्शाता है पारदर्शिता, वही है कि कंपनी में भी परिवार में भी कहीं भी कोई छिपाव नहीं है, प्रोडक्ट में कोई छिपाव नहीं है, जो कुछ है पारदर्शिता है। पानी की तरह जैसे पानी पारदर्शी होता है, वैसे हमारा बिजनेस भी पारदर्शी है, पारदर्शिता झलकाता है। तो तीनों चीजें हमें डिएक्शन में मिलती हैं आके, स्वास्थ्य समृद्धि और सुख, वो हमें इस लोगों के माध्यम से मिलता है। हर व्यक्ति की चाहत होती है पैसा, सिक्योरिटी, टाइम, हेल्थ, कि हमें पैसा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए और हम सुरक्षित भी रहें, पर समय भी हो। अधिकांश होता क्या है कि अगर हम लोगों के पास पैसा होता है तो वो कैसे होता है, या तो हम कोई जॉब करेंगे या फिर हम कोई बिजनेस करेंगे, लेकिन उसमें हमें कितनी सिक्योरिटी मिलती है हम सब जानते हैं, पर उसमें हमें कितना समय देना पड़ता है वो भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इन सबको देखते हुए हमें हेल्थ नहीं मिल पाती है, लेकिन डिएक्शन बिजनेस हमारा ऐसा है जिसमें हमें मनचाहा पैसा मिलता है, सुरक्षा के साथ मिलता है और टाइम हमारे अनुसार, हम जितना टाइम देते हैं उतना पैसा कमाते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं और हम हेल्दी बने रहते हैं। तो पैसा, सुरक्षा, टाइम, हेल्थ, हमें तीनों डिएक्शन के मार्फत मिल जाता है। इन चीजों को हम एक साथ एकत्र कर लेते हैं कि हम अपनी स्थिति को कैसे बनाते हैं। हम लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन हमारे खर्चे इतने होते हैं जिन खर्चों को हम पूरा नहीं कर पाते, हम फिर कुछ और सोचने लगते हैं। जब हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पाते तो फिर हम अपने सपने कैसे पूरे करें, हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते और फिर हम उस लाइफ से समझौता कर लेते हैं। जैसे कि जब हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पाएंगे तो हम अपने क्या सपने देखेंगे, और जब हम अपने सपने पूरे नहीं कर पाते तो हमारी जिंदगी एक समझौते में उलझ कर रह जाती है। सपोज अगर हम बिजनेस कर रहे हैं या हम जॉब कर रहे हैं, उसमें हमारे खर्चे सिर्फ इतने हो पा रहे हैं कि सिर्फ हम रोटी खा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं या एक मकान बना रहे हैं। सपने हमारे अलग अलग होते हैं, किसी का सपना होता है कि मुझे अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी शिक्षा देनी है, किसी का सपना होता है मुझे अपने बच्चों को बहुत विदेश यात्रा करानी है, किसी का सपना होता है कि मैं बहुत आलीशान मकान बनाऊं या कुछ ट्रस्ट को दान दूं। लेकिन जब हमारे खर्चे इतने होते हैं तो वहां अपने सपनों से वंचित रह जाते हैं और एक अपनी संघर्ष वाली लाइफ बना लेते हैं, समझौते से जीने लगते हैं, जहां हम अपने सपनों को मार लेते हैं। उसका रिजल्ट क्या निकलता है, उसका परिणाम हमारे आगे ये आता है कि तनाव, हम लोग तनाव से ग्रसित रहने लगते हैं, घर में भी टेंशन रहती है, दिमाग ऐसा रहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को बिल्कुल ऐसा महसूस करने लगते हैं कि बस अब क्या होगा। वहीं हम अपने आप को समझौते में ढालते हैं कि चलो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे। बीमारी कैसे होती है, तनाव से। आज की सबसे बड़ी जो बीमारी है वो है तनाव। हर व्यक्ति को देखो आप, बच्चे को पढ़ाई का तनाव है, बड़े को अपने बिजनेस या जॉब का तनाव है और बुजुर्गों को अपनी हेल्थ का तनाव है। तो तनाव आज का सबसे बड़ा जो कारण बन रहा है हम लोगों के साथ, वो हमारे टेंशन बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, वो सभी में देखने को मिलता है, बच्चा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, सभी में मिलता है, क्योंकि हम लोग समझौते में चलते हैं।
कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने भविष्य को नहीं देख पाते, जैसा कि सब जानते हैं पुनीत जी ने बीमारी में डिएक्शन को अपनाया था, पर उन्हें अपना डिएक्शन में भविष्य दिखा था कि डिएक्शन में आने के बाद प्रोडक्ट तो मुझे हेल्थ दे रहा है लेकिन मुझे इसमें वेल्थ भी मिलेगी, मुझे इसमें अपना भविष्य दिखाई देने लगा। और हमने अपने भविष्य को देखते हुए इसको लोगों को बताना शुरू किया, और बताते बताते हम लोग इसमें इतना खो गए कि यह आज हमारे भविष्य के लिए बहुत सुरक्षित बन चुका है। डिएक्शन को हम इसलिए यूज करते हैं, प्रोडक्ट को इसलिए यूज करते हैं कि इसमें हम अपना भविष्य देखते हैं कि बीमारी तो आती है सबको, लेकिन बीमारी से हम बचाव के लिए क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा हम कभी कभी होता है, हम लोगों को कोई भी बताते हैं हम अपने भविष्य के लिए सोच ही नहीं पाते और अच्छे विकल्पों को भूल जाते हैं। लेकिन अगर जो लोग सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो अपना पाए टाइम में भी डिएक्शन को ले सकते हैं, जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। डर, हमें डर रहता है कि अगर हमने कोई भी काम शुरू किया तो कैसे करेंगे, हम पे पैसा भी नहीं है, हम पे समय भी नहीं है, और जो काम हम कर रहे हैं उसके साथ अगर हम दूसरा काम करते हैं तो फिर उसमें होता है कि हमारी जो इस समय की इनकम चल रही है वो हमारी कहीं खतरे में ना पड़ जाए। उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो जाता है कि पैसा भी नहीं है और हम पे समय भी नहीं है। लेकिन डिएक्शन बिजनेस हमारा इस तरह से डर निकाल देता है कि समय आप अपने अनुसार निश्चित कर लेते हैं। आप यदि इसे कम समय के लिए करना चाहते हैं तो आप यूजर बनिए, आप इससे पैसा लेना चाहते हैं तो आप इसमें अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। ये डर हमारा एक डिएक्शन बिजनेस ही खत्म कर सकता है, क्योंकि डर के आगे जीत है। जब हम अपने मन से डर निकाल देते हैं तो हमें पैसा भी पूरा मिलता है और हमें समय भी पूरा मिलता है, क्योंकि डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इसमें हम छोटे पैसे लगा के भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और अगर हम आगे चाहें तो इसको बड़े रूप में भी कर सकते हैं। जैसे हम कंज्यूमर बने, हमने छोटा सा एक अपने प्रोडक्ट खाने के लिए शुरू कर दिया, उसके बाद अगर हमने डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो हमें अपना स्टॉक लेना होता है और लोगों को प्रमोट करना होता है, और इसमें हम हमेशा अपने बॉस रहते हैं, अपनी मन मर्जी से खाते हैं, अपनी मन मर्जी से लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, क्योंकि इसमें हम किसी के गुलाम नहीं होते, अपनी स्वेच्छा से करते हैं। इसलिए हम डिएक्शन का व्यवसाय बहुत छोटे स्तर से भी शुरू कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात हमारे उद्योग में ये है, व्यापार कैसे होता है कि फैक्ट्री से माल बना और हम लोगों तक पहुंचा, किस तरह से पहुंचता है वो हम सब लोग जानते हैं। इस इंडस्ट्री को हम किस तरह से लेंगे, फैक्ट्री में माल बनता है और पहले जाता है दुकान पर, मॉल पर, फिर हम लोगों तक मिलता है, जिसका लाभ हमें पूरा नहीं मिल पाता। लेकिन डिएक्शन बिजनेस वन वर्ल्ड है, उसमें वन वर्ल्ड वन मार्केट है, उनकी अपनी ही प्रोसेसिंग चलती है, सारा माल सीधा डिस्ट्रीब्यूटर तक आता है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है, कि फैक्ट्री से सीधा डिस्ट्रीब्यूटर तक, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, उपभोक्ता, और सामान कौन लेता है, उपभोक्ता लेते हैं, तो कंपनी से सीधा माल हम तक जो पहुंचता है और उसका सारा लाभ भी हमें ही मिलता है, वो सिर्फ एकमात्र कंपनी है, तो वो डिएक्शन कंपनी है, कि कंपनी से माल उपभोक्ता तक सीधा कैसे पहुंचा जाए, वो होता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमारी डिएक्शन एकमात्र कंपनी ऐसी है जो प्रोडक्ट सीधे कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाती है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम जब भी किसी कंपनी को देखते हैं तो हमें पहले तीन पहलू को ध्यान रखना चाहिए कि इसका प्लान कैसा है। हम वहीं जाकर भटक जाते हैं और फिर हमें देखना पड़ता है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, हमारी कंपनी की स्थिरता है या नहीं। उसके लिए हमारे अगर प्लान को देखते हैं तो सबसे अच्छा, सबसे आसान प्लान डिएक्शन प्लान है, जिसको एक कंज्यूमर से लेके बड़े स्तर तक एक ही चलता है। अगर आप स्टार लेवल बनते हैं तो वो क्राउन एम्बेसडर तक एक ही प्लान रहता है। आप जिस भी पोजीशन पे हैं, कभी भी आप उसमें नीचे नहीं गिरते, रेगुलर ऊपर बढ़ते रहते हैं। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, कंपनी की जो खासियत है, वो सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसका प्रोडक्ट बिल्कुल पारदर्शी, एब्जॉर्ब, जो हम लोग पानी पीते हैं, बॉडी में डालते हैं, वो एकदम पारदर्शी होता है, उसी तरह से इसके प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी में एकदम एब्जॉर्ब होते हैं।
जैसे एक दिन के बच्चे से लेके 100 साल के वृद्ध तक को हम प्रोडक्ट दे सकते हैं, वो प्रोडक्ट होता है डीएक्सएन कंपनी का। किसी अदर कंपनी का प्रोडक्ट हम किसी छोटे बच्चे को या प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दे सकते। इसी तरह से बताया जाता है कंपनी की स्थिरता। सब लोग जानते हैं कि 30 वर्षों से डीएक्सएन कंपनी अपना कितना अच्छा वर्चस्व बना के रखे हुए है, और डीएक्सएन की स्थिरता सभी लोग जानते हैं। जिन लोगों ने इसकी अध्ययन किया है, इसका बाहर जाकर देखा है, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों ने मलेशिया में देखा, अब तो सौभाग्य की बात है कि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट इंडिया में बनने लगा, इतनी अच्छी बात है। तो हमें कंपनी की पहले स्थिरता देखनी चाहिए कि कंपनी की बैकग्राउंड क्या है, जिससे हम लोग भटक जाते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते कि कंपनी की क्या बैकग्राउंड है, क्या प्रोडक्ट है, क्या प्लान है, लेकिन हम लोग हर कंपनी से तुलना करने बैठ जाते हैं। हमें सबसे पहले अपनी डीएक्सएन कंपनी के प्लान को समझना चाहिए, प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, और हमारी कंपनी की स्थिरता देखनी चाहिए कि जो 30 सालों से हमें सेवा दे रही है, आगे तक भी वो हमारे साथ ऐसे ही देती रहेगी, अपना पैसा देती रहेगी, अपना समय देती रहेगी, और उच्च क्वालिटी के हमें प्रोडक्ट अवेलेबल कराती रहेगी। सबसे पहले हमें जोरदार तालियां करनी चाहिए अपने डॉक्टर डॉक्टर लिम सोजिन के लिए, जिन्होंने हमारी डीएक्सएन कंपनी को 1993 में इंडिया में लॉन्च किया। 1993 में हमारी कंपनी बनने के बाद इन्होंने अपने ही भारत से आईआईटी खड़गपुर से बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद सारे प्रोडक्ट्स गैनोडर्मा द्वारा बनाए, और मानव स्वास्थ्य के हित में करने के लिए लोगों को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं कि किस तरह से लोगों को स्वस्थ रखा जाए, किस तरह से लोगों के पास घर घर ये प्रोडक्ट पहुंचाया जाए, आसानी से हम लोग किस तरह से लोगों को प्रोडक्ट दे सकते हैं, वो अपना पूरा सिस्टम हमारे साथ उन्होंने एक छोटे से स्तर से जोड़ दिया। जो भी चाहते हैं इसको हाई लेवल पे कर सकते हैं, लो लेवल पे भी कर सकते हैं, कोई इसमें वैधता उन्होंने नहीं रखी गई। हम लोग सभी इजी वे में इसके प्रोडक्ट ले सकते हैं। एक विश्व एक बाजार, वन वर्ल्ड वन मार्केट। कहते हैं कि कंपनी कैसी है, हमेशा होता क्या है कि हम अदर्स कंपनी को देखते हैं, वो माल कहीं बनाती है, कहीं से लेती है, लेकिन हमारी डीएक्सएन कंपनी एक ऐसी है जिसकी स्वयं की खेती है, अपना ही प्रोडक्ट बनाती है और डायरेक्ट सेलिंग ही करती है। जैसा हमें हिंदुस्तान में प्रोडक्ट मिलता है, वैसा ही हमें विदेशों में मिलता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी डीएक्सएन कंपनी है। इसमें कहा जाता है एमएलएम। इसको मैं थोड़ा सा अपनी भाषा में कहना चाहूंगी, एमएलएम क्या होता है। एमएलएम होता है महान लोगों का मिलन। जैसे कि डॉक्टर हमारे लिम सोजिन महान व्यक्ति हैं, उन्होंने कितना अच्छा सिस्टम दिया, और हमारे प्रोफेसर सर महान है क्योंकि उन्होंने इसको अपना के हम सब तक पहुंचाया। जो प्रोडक्ट डॉक्टर्स यूज कर सकते हैं तो वो हम लोगों के लिए कितने अच्छे होते हैं। तो अगर कंपनी में कोई भी कहीं से भी हम लेके प्रोडक्ट को देखते हैं तो वो मिलावट मानी जाएगी, लेकिन हमारी डीएक्सएन कंपनी एक ऐसी है, वन वर्ल्ड वन मार्केट, के एक संसार और एक बाजार, एक विश्व एक बाजार। जो प्रोडक्ट हमें इंडिया में अवेलेबल होते हैं वही हमें बाहर भी मिल सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि 100 देशों में हमारी कंपनी इस समय 12वें स्थान पे आ चुकी है। डीएक्सएन कंपनी एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 12वां स्थान अपना बना चुकी है, क्योंकि इसमें भी एक प्रकार की रैंक निर्धारित की जाती है। वो रैंक हमारी कंपनी ने 12वीं क्रॉस कर ली, 15वीं पहले थी लेकिन इस वर्ष 12वीं रैंक क्रॉस कर ली है। तो हम कितनी अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, हमें ये समझना चाहिए कि हम क्या ले रहे हैं। और डॉक्टर लिम की हमारी एक ही पहले से ही जो योजना चल रही है वो है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, स्वास्थ्य संपत्ति और सुख। जो मैंने शुरू के लोगों में भी बताया था कि हमें स्वास्थ्य की जरूरत है, स्वास्थ्य को हम सही रखने के लिए क्या करते हैं। अपनी संपत्ति की तो बात ही अलग रहती है कि संपत्ति, अगर हम बीमार पड़ गए तो हम पे कहाँ संपत्ति आ पाएगी, और अगर संपत्ति भी है तो वो बीमारी में पैसा जा रहा है तो सुख तो रह ही नहीं सकता। वही हमारे डॉक्टर लिम चाहते हैं कि हर व्यक्ति प्रोडक्ट के माध्यम से स्वास्थ्य ले और खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे हमेशा। ऐसा उन्होंने हम लोगों को कहना चाहिए कि चिराग दे दिया है कि हम स्वास्थ्य भी अपने हाथ में रख सकते हैं प्रोडक्ट यूज करके, और संपन्न भी हो सकते हैं प्रोडक्ट लोगों को प्रमोट करके, बता के
और खुशियां तो हम सब ले ही सकते हैं। जब हम स्वस्थ रहेंगे, संपन्न रहेंगे, तो खुशियां तो हमारे पास अपने आप आती ही रहेंगी। तो हमेशा हमारे डॉक्टर्स ने हमारे लिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट दे रखा है, डीएक्सन की सबकी अपनी अवधारणा रहती है कि कंपनी हमारी कैसी, उसमें अपनी ही खेती है, अपने आप प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, अपने आप ही प्रोडक्ट बना के उसकी पूरी गुणवत्ता देख के लोगों तक पहुंचाई जाती है। और एक ही मन, सबसे बड़ी बात है कि वन वर्ल्ड वन मार्केट वन माइंड, जब हमारा एक दिमाग चलता है तो हमारा काम बहुत अच्छा बहुत तेजी से चलता है। जैसे कि हमारा प्रोडक्ट एक जगह से बन रहा है, हम लोगों को एक ही जगह पर मिल रहा है, एक सा प्रोडक्ट मिल रहा है, बच्चे से लेके बड़े तक एक ही प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो एक मन, मन है वो डॉक्टर का, क्योंकि डॉक्टर लिम्सो जिनका जो मन है वो सभी को ले स्वास्थ्य प्रदान करना है, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, सबके साथ। एक ही मन से प्रोडक्ट जो तैयार होता है उसकी गुणवत्ता तो हम सभी लोग अच्छे से जान सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई मिलावट नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक डॉक्टरी मन के अनुसार प्रोडक्ट हमारे चल रहे हैं। एक कंपनी हमारी होकर दुनिया के स्वास्थ्य का कारण को बढ़ावा देती है, जो बीमारी का कारण बन रहा है उसको हमेशा मन से हटाने का, क्योंकि अधिकांश हम देखते हैं कि और कंपनियों के प्रोडक्ट अगर हम ले लेते हैं तो वो हमें क्या देती हैं, बीमारियां। लेकिन हमारी डीएक्सएन कंपनी के जो प्रोडक्ट बनते हैं अच्छी गुणवत्ता के बनते हैं और अच्छे से ठोस उसके बनते हैं, कि जिसपे कोई भी हमारा प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता कि जो हमारे बॉडी को डैमेज करे या उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करे। डीएक्सएन ही हम क्यों करें, सबसे बड़ी बात आती है। जैसे हमने डीएक्सएन को चुना, अधिकांश क्वेश्चन आता है कि डीएक्सएन ही हम क्यों करें, उसमें हमें देखनी पड़ेगी स्थिरता कि हम कितने स्थिर रहते हैं, फिर प्रोडक्ट का देख सकते हैं हम, उसके बाद देखते हैं ठोस अवसर के क्या मिलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारी कंपनी लगातार 30 वर्षों से 200 देशों में अपना वर्क कर रही है, 200 देशों में डीएक्सएन के प्रोडक्ट जा रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं जो हमें स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं, वो इंडिया में भी कर रहे हैं, बाहर देशों में भी कर रहे हैं। इसी के साथ हमें बहुत ठोस अवसर भी प्रदान होते हैं, कुछ इसके अचीवमेंट होते हैं वो हमें मिलते हैं, शुरू से ही मिलने लगते हैं, जब से हम कंज्यूमर बनते हैं, फिर हम इसके डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, और शुरुआत से ही हम इसके आकर्षक एक रिजल्ट अपने बॉडी में अपने काम में देखने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि डीएक्सएन ही क्यों, क्योंकि डीएक्सएन एकमात्र साधन ऐसा है जो हमें बीमारी से भी दूर रखेगा और जेब की बीमारी से भी दूर रखेगा, जो इस समय बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बीमारी के साथ साथ जेब की बीमारी। जेब की बीमारी हमारी होती है वो बीमारी तो हम एक बार को दवा खा के हटा लेंगे, लेकिन हम जेब की बीमारी को कैसे खत्म करेंगे। इसलिए डीएक्सएन जरूरी है कि डीएक्सएन हमें दोनों बीमारियों से बचा के रखती है, जेब की बीमारी से भी और स्वास्थ्य की बीमारी से भी। हर मनुष्य को कुछ ना कुछ अलग चाहिए, और प्रकृति के अद्भुत जो हमें चार जड़ी बूटियों में चीज मिली है वो हमें अलग अलग फॉर्म में दी गई है। जैसे कॉर्डिसेप को कहा जाता है कि सोने से भी ज्यादा महंगे रेट में मिलने वाली जड़ी बूटी है, वो जल्दी से नहीं मिल पाती, और वो हमें डीएक्सएन के मार्फत मिली है। इंडिया में हमें कॉफी के रूप में मिली है, विदेशों में हमें कॉर्डिसेप टैबलेट के रूप में मिलती है। और गैनोडर्मा तो जड़ी बूटी का राजा कहा गया है, जड़ी बूटी का राजा कहते हैं ना, सब दवाइयों में एक दवाई, जड़ी बूटी का राजा कहा गया है, वो हमें छोटे छोटे फॉर्म में मिला गया है। जैसे कि हम लोग अगर कैप्सूल नहीं ले रहे हैं, उसके साथ साथ हम चाय, कॉफी, पेस्ट, साबुन में भी ले सकते हैं, ताकि हम रोज के जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उससे अपने आप को हेल्दी रख सकें। वैसे भी हम कोई ना कोई जूस पीते हैं, मौसमी का, अनन्नास का, उसकी जगह हमें डीएक्सएन से मिला है मोरिंडा मोरंजी, जिसको हम मोरंजी या नोनी जी के नाम से जानते हैं, वो जूस मिलता है। इसको बोलते हैं नेचुरल पेन किलर, ये हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देता, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये नेचुरल पेन किलर कहा जाता है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। फिर आता है सुपर फूड स्पाइलिना, सबसे अच्छा सुपर फूड है, कहते हैं ग्रीन ब्लड। और जब हम लोगों में हीमोग्लोबिन कम होता है, बॉडी में ब्लड की कमी होती है, उस समय कहा जाता है कि अगर ब्लड चढ़ाना पड़े
तो वो कैसा मिलेगा? बहुत सारे डॉक्टर्स के तर्क होते हैं कि हमें ब्लड नहीं मिल पा रहा, लेकिन अगर हम रेगुलर एस्पिरिन लेते हैं तो ये ग्रीन ब्लड हमारी बॉडी में नेचुरल तरीके से तैयार करता है। ग्रीन ब्लड हमारा कैसे कहा जाता है स्पाइरुलिना को, कि ये समुद्री शैवाल से बनाया गया है, स्पाइरकल सेट में होता है, स्पाइरकल साइज के अनुसार ये हमें इतनी एनर्जी देता है। कहते हैं जब हमारी आंखों में या बालों में प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर हमें मछली के तेल के कैप्सूल देते हैं, लेकिन जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए सबसे अच्छा है स्पाइरुलिना का कैप्सूल, क्योंकि जो चीज मछली खाती है क्यों ना हम वही चीज खाएं। कितनी अच्छी चीज है जो हमें डीएक्सएन गैनोडर्मा के साथ साथ स्पाइरुलिना भी अवेलेबल कराता है। और ऐसी अच्छी गुणवत्ता हमें कहाँ मिलेगी कि हमें चार प्राकृतिक अद्भुत उपहार डीएक्सएन के मार्फत से इजी वे में प्रोडक्ट के साथ मिलते रहते हैं। फिर आते हैं बेवरेज। हम दिन भर में कितना पेय पदार्थ पीते हैं, हमेशा हम लोग चाय पीते हैं, हमेशा कॉफी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो हमें उसमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। हेल्थ में हमारी कितना फायदा है ये सब लोग जानते हैं कि चाय हमें कितना फायदा देती है, लेकिन डीएक्सएन की चाय के किसी एक व्यक्ति से आप पूछेंगे तो हजार फायदे बता देंगे। डीएक्सएन की चाय हमें एसिडिटी नहीं बनने देती। इसमें नोनेजी जूस के बारे में मैंने अभी बताया कितना अच्छा नेचुरल पेन किलर है। फिर 2-in-1 कॉफी हमारा बीपी कंट्रोल करती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होने देती। इसमें 3-in-1 कॉफी है जिसको हम डाइजेशन के लिए पीते हैं, हमारा सबका पेट बहुत अच्छा रहता है पीने से। और इसमें सबसे अच्छी बात है कोकोजी। कोकोजी बच्चों के साथ बड़ों के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। और इसमें आता है एक रोजल जूस जिसको हम अच्छे से पियेंगे तो हमें विटामिन सी का भरपूर स्रोत मिलता है, क्योंकि विटामिन सी हमें हमेशा अलग से ही लेना पड़ता है, कभी हमें विटामिन सी वैसे नहीं मिलता, हमेशा मिलेगा नींबू में या आंवले में। आंवला हमें कितने दिन में मिलता है? 6 महीने में, सर्दियों में। और हम आंवला रेगुलर कितना खाते हैं? हमें विटामिन सी की जितनी जरूरत होती है वो हम रेगुलर प्रॉपर नहीं ले पाते, उसकी जगह अगर हम रोजा जूस लेंगे तो हमें अच्छे से विटामिन सी पूरा मिल पाएगा। और हमारी आती है जैसे इसमें लेमन जी, उसमें भी हमारे उच्च कोटि के जो नींबू होते हैं उनको ड्राई करके उसका मिश्रण बना के उसमें शुगर ऐड करके लेमन जी टी बनाई गई है, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। इसको हम गर्म पानी में भी पी सकते हैं और ठंडे पानी में भी पी सकते हैं। ठंडे पानी में पियेंगे तो वो हमें कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट देता है, और गर्म पानी पीते हैं तो वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है हमारी। और इसमें हमारे होते हैं कि पूरा विटामिन सी भी हमें मिला और हमें टेस्ट भी मिला जो हमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह में नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग ज्यादातर भटकते कोल्ड ड्रिंक पे जाके या उल्टी सीधी चाय में। कभी भी हम अगर डीएक्सएन के प्रोडक्ट को अपने ढंग से लेना चाहेंगे तो वो हमें हेल्थ बेनिफिट 100% देते हैं। बस थोड़ा सा उसका बनाने का तरीका अलग हो जाता है, जो लोग हम यूज करते हैं उसके रिजल्ट उनको पता है, क्योंकि जो यूज नहीं करेंगे उनको तो रिजल्ट पता ही नहीं है कि हमें क्या पीना है क्या नहीं पीना। नोनी जी जितने लोगों ने पिए उनको उसका रिजल्ट पता है, कि किसी भी पेशेंट को आप नोनी जी बता सकते हैं, उसका रिजल्ट जो मिलेगा वो हमेशा पीने के बाद ही मिलेगा। पूरा जो हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना होता है, कहते हैं कि खाना खाने के बाद तो हम अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन शरीर भरने के लिए हम क्या लेते हैं? उसमें सबसे पहले आता है आरजीजीएन, कि हमारे शरीर में विषैले तत्व तो चारों तरफ से जा रहे हैं, पानी में भी हवा में भी, और हम सांस का शुद्ध ले रहे हैं, कितने वायु में प्रदूषण है इस समय। हम सब टॉक्सिन तो अपनी बॉडी में डाल रहे हैं लेकिन निकालने का हमारे पास क्या साधन है, कभी हम सोचते भी नहीं है। उसके लिए अपने शरीर को हम धीरे धीरे डैमेज करते जा रहे हैं, अस्वस्थता होती जा रही है, स्वास्थ्य के ऊपर हमारा ध्यान नहीं रहता। उसके साथ हम लेंगे आरजीजीएल और स्पाइरुलिना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को उनके अकॉर्डिंग हमें डोज देनी चाहिए। इसमें सबसे अच्छा है सुबह को हम नाश्ता क्या लेते हैं, उसमें एक आहार के रूप में हमें स्पाइरुलिना सीरियल और कॉर्डिसेप सीरियल भी दिया गया है, जिसमें हमें अच्छा फाइबर भी मिल जाता है जिससे कि हमारा तन भरता है। रोटी खाने से तो हमारे शरीर की पूर्ति हो जाती है, लेकिन हमारी जो हेल्थ बनती है वो जाके हमारे प्रोडक्ट से होती है, कि पेट भरने के लिए रोटी खा ली लेकिन शरीर भरने के लिए हमने दिन भर में क्या खाया? कुछ नहीं खाया। और सबसे अच्छी बात है कि नेचुरल फूड है ये, अल्कालाइन फूड है, क्योंकि हम लोगों को
अपने शरीर के लिए कम से कम नहीं तो 80% अल्कलाइन फूड लेना चाहेंगे। जो हम नहीं लेते, हम लेते हैं 20% अल्कलाइन लेते हैं और 80% लेते हैं हम एसिडिक। इसी के कारण हम बीमार ज्यादा हो जाते हैं, बीमारी से लड़ते लड़ते फिर हम गंभीर अवस्था में पहुंच जाते हैं, क्योंकि आज की दिनचर्या जो हमारी बन चुकी है वो ऐसी बन चुकी है कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है। ना तो हमें अपने खाने का है, ना ही परिवार के लिए, कि हम क्या खाएं, कैसा खाएं। अगर अभी कहा जाए तो हम लोग उल्टा सीधा खाने में ध्यान देते हैं, लेकिन अच्छे प्रोडक्ट नहीं लेते। वही हमें डीएक्सएल प्रोडक्ट देते हैं कि हमें हेल्थ भी देते हैं, साथ साथ वेल्थ भी देते हैं, क्योंकि हेल्थ सही रहेगी तभी हम आगे वेल्थ ले सकेंगे। पर्सनल केयर, ये ऐसा नहीं है कि इसके जो प्रोडक्ट हैं सिर्फ महिलाओं के लिए ही हैं, ये पुरुषों के लिए भी उतने ही हैं। डेली बेस पे हमें पेस्ट चाहिए, उसमें भी गैनोडर्मा है, सोप चाहिए, उसमें भी गैनोडर्मा है, और शैम्पू भी। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो हमारी जड़ी बूटी पड़ी हुई है उसमें कोई भी केमिकल नहीं है, कलर नहीं है। आप अगर गैनोडर्मा उठाकर देखेंगे तो उसके कलर के ही मिले हुए प्रोडक्ट बने हैं। जैसे इसमें शैम्पू है ब्राउन कलर का है, सोप है ब्राउन कलर का है, और पेस्ट है हमारा क्रीमी शेड में। हमें सबसे पहले जो देखना होता है कि अपने किस प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं, किस चीज को अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, वो महसूस करना होता है कि प्रोडक्ट हम कलरफुल तो नहीं ले रहे, प्रोडक्ट हम कोई केमिकल का तो नहीं ले रहे। डीएक्सएल के प्रोडक्ट बिल्कुल नेचुरल हैं, हर्बल हैं, जो हमारे इस जैसे छोटा बच्चा है उसकी स्किन में स्पेस आते हैं, डेडनेस आती है, इचिंग होती है, उसमें आप पानी में मिला के टीटी क्रीम लगाएं, रैशेज नहीं आते। शैम्पू अगर किसी के बाल झड़ते हैं या डैंड्रफ ज्यादा रहती है तो हम डीएक्सएल का शैम्पू यूज करते हैं, उससे क्या होता है डैंड्रफ भी खत्म होती है और हमारे बाल हेल्दी रहते हैं। मसाज ऑयल अच्छे से स्किन पे मसाज करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे इस प्रोडक्ट में आप देखेंगे तो हमारा पेस्ट भी इस कलर का है और हमारी कॉफी इस कलर की है। आप अगर सोप देखेंगे वो इस कलर का है और शैम्पू देखेंगे इस कलर का है, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि जो हम अपने लिए यूज कर रहे हैं उसमें कलर कितना है और कितना केमिकल है। डीएक्सएन के प्रोडक्ट में कोई कलर नहीं है, कोई उसमें केमिकल नहीं है, इसीलिए ये हेल्दी प्रोडक्ट कहे जाते हैं। ये हम सभी लोग मान चुके हैं कि इसके प्रोडक्ट कितने अच्छे साबित होते हैं। ये ह्यूमन बॉडी के लिए है, लेडीज जेंट्स सभी के लिए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये प्रोडक्ट लेडीजों के लिए अलग है या जेंट्स के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है, बड़ों के लिए अलग है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। अब इसको हम कैसे शुरू करें? दिमाग हमारा चलता है कि डीएक्सन अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम इसको कैसे शुरू करें? उसमें सबसे पहले हमें खुद जुड़ना है, हमें कंज्यूमर बनना है, प्रोडक्ट अपने आप यूज करना है, फिर उसका फायदा लेना है और दूसरे को बताना है। जब हम उसका फायदा खुद यूज करेंगे तभी दूसरे को बता पाएंगे, नहीं तो हम दूसरे को फायदा नहीं बता सकते। और एक हम जुड़े, दूसरे को फायदा बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तो हमारी एक स्ट्रांग टीम बन गई। स्ट्रांग टीम बनने का तरीका यही होता है कि हमें सबसे पहले अपने आप प्रोडक्ट यूज करना है और फिर दूसरे को उस प्रोडक्ट के बारे में हमें उसका फायदा बताना है, क्योंकि प्रोडक्ट का फायदा आप तभी बता पाएंगे जैसे जब आप खुद इस्तेमाल करेंगे, वैसे ही आप उसको इस्तेमाल करना बताएंगे, तभी उस तरीके से आप अपनी स्ट्रांग टीम एक बना सकते हैं। इसमें जुड़ने के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि ज्यादा वर्दिता की गई है। इसमें 18 साल से ऊपर के व्यक्ति की ज्वाइनिंग होती है, 18 साल से कम ज्वाइनिंग नहीं ली जाती। इसमें एक फॉर्म मिलता है, साधारण तरीके से मेंबरशिप फॉर्म होता है, उस फॉर्म को आप भरेंगे और आप कंपनी के सदस्य बन जाएंगे। और सदस्य बनने के बाद आप उसको चाहे अपने कंज्यूमर बेस पे लें, चाहे आप उसको बिजनेस के पर्पस से लें, लेकिन ये दोनों फॉर्मेलिटीज आपको करनी ही होती हैं। उसके साथ साथ आप अपनी मनचाही लाइफ बना सकते हैं। आप उसमें एक छोटे सी जगह में रहना चाहते हैं या उसको एक समुद्र की तरह फैलाना चाहते हैं, ये डिसीजन आपका रहता है कि आप अपनी मनचाही लाइफ कैसे बनाएंगे। डीएक्सएन के प्रोडक्ट करके यूज करके रह जाएंगे या डीएक्सएन के प्रोडक्ट को प्रमोट करने का साहस करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रमोट नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि हम प्रोडक्ट
जो नेचुरल है वही ले रहे हैं, फल भी हम नेचुरल खाते हैं, उसी तरह से अच्छा कंज्यूमर बनना है। जैसे हम अच्छी तरह से फल खाते हैं वैसे प्रोडक्ट को अच्छे से कंज्यूम करना है, क्योंकि आपके परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए एक ही प्रोडक्ट है। सदस्यता कुछ लेने में कोई हमारा पैसा नहीं जा रहा, डिस्काउंट रेट पे हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। जब हम उसके ज्वाइनिंग ले लेते हैं तो हमें अच्छे से प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है, और उसमें आप कंपनी के प्लान के अनुसार थोड़ा सा पुरस्कृत किए जाते हैं। जो आपको टारगेट दिया जाता है उसको आप अचीव करते हैं, तो आपको उसमें कंपनी में सम्मान भी पूरा दिया जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हैं। अब इसमें आपको कुछ लोग अलग तरीके के मिलेंगे, कुछ मिलेंगे आपको बीमार व्यक्ति जो प्रोडक्ट यूज करना चाहेंगे, कुछ मिलेंगे आपको फायदे लेने वाले व्यक्ति जो पैसा कमाना चाहेंगे। उन्हें बीमारी से कोई मतलब नहीं है, उनको पैसा चाहिए। तो आप उनको दोनों तरीके से समझा सकते हैं कि आप प्रोडक्ट यूज कीजिए और आप प्रोडक्ट दूसरों को प्रमोट कीजिए। आप प्रमोट करेंगे तो आपको पैसा भी आएगा, और धीरे धीरे करके आपके पास कुछ बीमार होंगे, कुछ स्वस्थ होंगे, इस तरह से एक बड़ा नेटवर्क बन जाएगा, एक टीम बिल्ड हो जाएगी आपकी। क्योंकि जब आपको चार तरीके के लोग मिल जाते हैं, कोई तो आपको पैसा कमाने के लिए जुड़ेगा साथ में, कोई बीमारी के लिए जुड़ेगा, कोई दूसरों को समझाने के लिए जुड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब आपके अनुसार ही करेंगे, अपनी इच्छा से जैसे भी करेंगे उसी तरह से आप धीरे धीरे करके अपनी एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड कर लेंगे, और फिर आपका वही नेटवर्क का रूप धारण कर लेता है। कुछ लोग खरीद सकते हैं, कुछ लोग नहीं खरीदेंगे, कुछ लोग दूसरों को बताएंगे, और कुछ लोग प्रमोट करके नेटवर्कर बन जाएंगे। जैसे कि आज हम सब लोग हैं, प्रोडक्ट अपने हेल्थ के लिए यूज किया, और आज बताते बताते अपनी एक स्ट्रॉन्ग टीम तैयार कर ली है। जैसे भरत जी हैं, भरत जी अच्छा नेटवर्क बनाए हुए हैं, उसमें हम पुनीत जी हैं, पुनीत जी अपनी हेल्थ के लिए जुड़े, लेकिन उन्होंने एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बना ली अपनी। तो इसमें दोनों तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं कि कुछ प्रोडक्ट यूज करेंगे और कुछ बताएंगे। सबसे पहले हमें खुद कंज्यूमर बनना है, हम कंज्यूमर बन चुके हैं, उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, हमने दो लोगों का इसको बेनिफिट बता दिया, दो लोगों ने चार लोगों को इसका बेनिफिट बनाया, और धीरे धीरे करके आपकी टीम बिल्ड होती चली गई, और आपका एक इतना बड़ा नेटवर्क बन गया कि आपको पता भी नहीं चला कि आप कहाँ जुड़े थे और कहाँ से कहाँ पहुंच गए। क्योंकि नेटवर्क हमारा बहुत तेजी से बढ़ता है, जरूरी नहीं है कि एक बंदा ही बनाए। हमने एक को समझाया, लेकिन वो एक बंदा 10 को भी समझा सकता है, और हमारा नेटवर्क एकदम बढ़ जाता है। कंपनी हमें 9 तरीके से बेनिफिट देती है। उसमें होता है जैसे थोड़ा सा रिटेल प्रॉफिट, एमआरपी डीपी का बेनिफिट लेते हैं, ग्रुप बोनस मिलता है, स्टार ग्रुप बोनस मिलता है। वो जब हम एक अपना कार्ड पूरा कर लेते हैं, जैसे हमने कंज्यूमर बन के कार्ड बनवाया था, मेंबरशिप कार्ड था, उसके अनुसार हम एमआरपी डीपी का बेनिफिट ले लेते हैं, वो सब हमें रेगुलर मिलता रहता है। उसमें होता है कि जैसे हमने खुदरा मूल्य लिया, जैसे हमारे डीपी थी उसके अनुसार हमने एमआरपी पे प्रोडक्ट सेल किया, फिर हमें ग्रुप बोनस, स्टार बोनस, डेवलपमेंट बोनस, लीडरशिप बोनस, और बहुत सारे सेमिनार प्रोत्साहन मिलते हैं, हमें अटेंड करने होते हैं, वन टाइम हमें हैंडफोन मिलता है, और हमें TSIP भी मिलता है। क्योंकि TSIP तब मिलता है जब हम बहुत अच्छा अपना टीम को बिल्ड कर चुके होते हैं, तब हमें TSIP भी मिलता है, वो भी इन सब के अंतर्गत आता रहता है। जैसे कि हमने पुनीत जी ने 19 साल में 24 विदेश यात्राएं कर ली, उन्होंने भी उस चीज का फायदा लिया। जितने भी हमें कंपनी में फायदे मिलते हैं वो सब DXN में सभी के लिए बराबर होते हैं, बस उसको थोड़े से सिस्टम बताया जाता है। अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो वो आप सारे बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे कि हम रेगुलर ले रहे हैं, और आगे हमारे टीम में बहुत से लोग ले रहे हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं, क्योंकि वो नियम सभी के लिए एक है। ऐसा नहीं है कि हम ले रहे हैं, वो सभी ले सकते हैं, सभी के लिए एक बराबर है। जो इसको जुड़ता है, समझता है और इसको अच्छे से फॉलो करता है, उसी के लिए होता है। 25% तक इसका लाभ मिलता है हमें। ये तो पहले हो गया एमआरपी डीपी का, और फिर हम जितना भी आगे काम करते रहते हैं उसका बेनिफिट सबको मिलता रहता है।
सबसे अच्छी बात यह है कि डीएक्शन में आप आते अपने दम पर हैं, पर आप अकेले नहीं होते। जैसे आपने डीएक्शन ज्वाइन किया, आपको आपके अपलाइन ने जोड़ दिया, उनका आपके ऊपर आशीर्वाद रहा, बड़ों का आशीर्वाद रहा, लेकिन आप अकेले आए थे और अब अकेले नहीं है, क्योंकि आप अकेले उस समय थे जिस समय आपने डीएक्शन फॉर्म भरा था। उसके बाद आपने चार लोगों को बता दिया, आपकी टीम बिल्ड हो गई, तो आप उस समय अकेले नहीं रहे। अकेले तब होते हैं जिस समय हम उस फॉर्म पे सिग्नेचर करते हैं, लेकिन फॉर्म पे सिग्नेचर करने के बाद हम कंपनी के साथ जुड़ के पूरे फैक्ट्री के एक मालिक, एक फैमिली मेंबर बन जाते हैं और हमारे साथ लाखों लोग जुड़ जाते हैं। तो डीएक्शन में आप आए तो अपने आप हैं, लेकिन अकेले नहीं, आप सबके साथ हैं, अपने बड़ों के साथ हैं, अपने अपलाइन के साथ हैं, अपने डाउनलाइन के साथ हैं, अपनी टीम के साथ हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं। आपकी सफलता के लिए, हम सबकी सफलता के लिए कंपनी ने कुछ योजनाएं बना रखी हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। वो योजना क्या होती है, अगर आप स्टार लेवल पे हैं वही योजना आपके लिए है, अगर आप क्राउन एम्बेसडर हैं वही योजना आपके लिए है। और अगर हम उन योजनाओं को अपनाते रहते हैं तो उसका बेनिफिट भी हमें मिलता है और हम सबके सपने साकार होते हैं। जैसे पुनीत जी का अपने बारे में बताऊंगी, जब पुनीत जी ने ज्वाइन किया था तब पुनीत जी बैंक में थे और उनको बहुत प्रॉब्लम थी, अस्थमा की प्रॉब्लम थी। उन्होंने प्रोडक्ट लिया था अपनी हेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए प्रोडक्ट लेने के बाद उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया, लोगों को बताते बताते उनकी टीम बिल्ड हो गई। टीम बिल्ड होने के बाद जो भी कंपनी के निर्धारित की गई योजनाएं थी वो सब किस तरह से पूरी करते चले गए हम भी नहीं जानते, और उन्होंने विदेश यात्राएं की। मायने रखता है कि 18 साल में 24 विदेश यात्राएं कर लेना, जिसमें कि 16 मैंने भी साथ साथ की। डीएक्शन से ही हमने बहुत सुंदर घर बना लिया, चार गाड़ियां ली जिसमें कि दो गाड़ियां फोर व्हीलर हम अभी मेंटेन कर रहे हैं, मेरे पास और मेरे बेटे के पास, दोनों के पास है। और सब कुछ रितु जी ने बताया इतने अच्छे से, ये सब कहाँ से हुआ, सिर्फ हमने सिस्टम को फॉलो किया। जो भी हमारी कंपनी में योजनाएं थी वो सब हमने डीएक्शन से ही ली और उनको टारगेट को अचीव करते रहे और धीरे धीरे करते रहेंगे। बस अब हमारा एक लक्ष्य चल रहा है क्राउन एम्बेसडर का, वो भी सबका आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी पूरा करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे चल के ना स्ट्रांग किया है, एकदम से फास्ट नहीं किया। फास्ट करने से क्या होता है, अचीवमेंट हम ले लेते हैं लेकिन हम स्ट्रांग नहीं हो पाते। हमने स्ट्रांग करके जो काम किया वो किया, हम एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड है, लेकिन बहुत गर्व होता है कहते हुए कि अगर हम डायमंड हैं तो हमारे 6 डायमंड हर समय, 7 डायमंड हमारे साथ रहते हैं। सबसे अच्छी बात ये रहती है कि हम जो भी कुछ फॉलो करते हैं वो कंपनी की योजनाओं के अनुसार करते हैं। उसमें एक मैं छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूंगी कि हम टीम वर्क कैसे करते हैं, वो दिखाना चाहूंगी कि टीम वर्क इस तरह से होता है जैसे हमने अभी तक किया, और वो सभी को करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम टीम वर्क नहीं करेंगे तो वो आगे क्या पता चलेगा हमें कि हम कहाँ हैं, कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले हमें अपनी टीम को स्ट्रांग बनाना होता है, वो हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हमारी टीम किस तरह से स्ट्रांग है और हमें कब, कहाँ और कैसे सपोर्ट करती है। ये वीडियो दिखाने का मेरा मतलब ये था कि कितने अच्छे से हमने देखा कि हम लोग एक इतनी ऊंची दीवार पार कर सकते हैं टीम के साथ, एक के साथ एक, एक के साथ एक करके, और हम लोगों ने किस तरह से अपनी टीम बढ़ाई और हम किस तरह से पहुंचे। क्योंकि होता यह है कि हम जब अकेले रह जाते हैं तब परेशानी महसूस होती है, लेकिन आपने देखा
कि जो ऊपर तीन लोग पहुंच चुके थे वो नीचे वाले को किस तरह से उठा लेते हैं, वही होता है डाउनलाइन और अपलाइन का तालमेल। जिस तरह से कि हमारे अपलाइन हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वही चीज हमने देखी। और मैं थोड़ी सी दिखाना चाहूंगी कि हमने जो अचीवमेंट किया उसमें 14 विदेश यात्राएं की, वो भी आप लोगों को दिखाना चाहूंगी कि हम किस तरह से हर साल टूर अचीव करते हैं, हर साल योजनाओं को फॉलो करते हैं और उसी तरह से अपनी टीम के लोगों के साथ भी जाते हैं। वो सभी के लिए होता है, मैं अचीव कर सकती हूँ, हम सब लोग अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी एक के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए है। वो थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी मैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमें जो भी योजनाएं कंपनी से निर्धारित की गई वो हम सब लोग अचीव करते हैं।
और इसी के साथ में एक छोटी सी कहानी सुना के अपनी बादी को प्रणाम दूंगी। यहीं पे एक साधु बाबा थे, वो नदी के किनारे रहते थे और वो हमेशा एकांत में एक ही बात बोलते थे, जो चाहो सो पाओ, जो चाहो सो पाओ। ऐसा बोलते बोलते लोग उधर से निकलते थे, हंसते थे, उनकी मजाक बनाते थे, कहते थे बाबा पागल हो गए, बाबा का कोई काम नहीं रहा, बस जो चाहो सो पाओ बोलते रहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। उधर से एक बेरोजगार व्यक्ति, एक युवक जाता है और वो कहता है, बाबा ऐसी क्या बात है कि आप कहते हो जो चाहो वो पाओ, जो चाहो वो पाओ, तो ऐसा क्या है आपके पास। वो कहते हैं हाँ बेटा बैठ मेरे पास, मैं बताता हूँ। वो उनसे कहते हैं कि तू क्या चाहता है। वो बोले बाबा मैं चाहता हूँ मैं हीरो का व्यापारी बन जाऊं। वो कहते हैं अच्छा बच्चा, चल आंख बंद और अपने दोनों हाथ मेरे पास ले। वो बाबा हमेशा बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ के उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हैं। बोले बेटा ये देता हूं मैं समय तेरे हाथ में, इसे मुट्ठी में बंद कर, इस समय के अनुसार तू जब जो चाहेगा वो पाएगा। दूसरे हाथ में देते हैं उसको कि धैर्य पेशेंस, बेटा इसको हाथ में दबा के रख, तू अपना पेशेंस बना के रखना, क्योंकि समय आगे पीछे हो सकता है लेकिन धैर्य नहीं खत्म होना चाहिए। धैर्य अगर रहेगा तो तू हर समय कामयाब हो सकता है, किसी समय भी कामयाब हो सकता है। वो कहता है ठीक है, उसके आंखों में एक चमक आती है, वो कहता है बाबा ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, अब तो कुछ जरूर होगा। वो पेशेंस से जाता है और देखता है उसको कुछ दिन बाद ही एक हीरो के व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल जाती है। वो अपने पेशेंस को बना के रखता है और धीरे 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 अपनी भी एक हीरो की फैक्ट्री लगा लेता है। फैक्ट्री लगाने के बाद वो ये कहता है कि वास्तव में बाबा ने मुझे दो मंत्र दिए थे, पेशेंस और समय, कि समय के अनुसार सब कुछ होता है लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए। हम लोग होता क्या है कि अपना धैर्य खो देते हैं और हम उसी जगह जाके फेल हो जाते हैं। ऐसे ही डीएक्शन में हम जब जुड़ते हैं तो हमें सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, इतना समय हो गया, प्रोडक्ट ने असर नहीं किया, वो हमारा पेशेंस नहीं होता, क्योंकि हमेशा होता है पेशेंट, हम लोग पेशेंट पकड़ते हैं और पेशेंट में कभी भी पेशेंस नहीं होता। इसीलिए हमेशा हमें धैर्य बना के रखना चाहिए और हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। कहते हैं ना देर से आया और दुरुस्त आए, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी चीज पे टिके हुए हैं तो हमें अपने लक्ष्य को पकड़ने के लिए धैर्य बना के रखना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू डीएक्शन, जय डीएक्शन, आई लव डीएक्शन।